हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्रिकेटरों द्वारा टॉप 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनकी चर्चाएं सामान्य तौर पर बहुत कम होती दिखती है। तो ऐसे ही क्रिकेटरों पर नजर डालेंगे दोस्तों, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाकर क्रिकेट का नाम रोशन किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। जिस किसी ने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शब्द सुना है, वह इस तथ्य से अवगत होगा कि इस दुनिया में सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित रिकॉर्ड बुक माना जाता है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ पुस्तिका है, जिसमें मानवीय उपलब्धियां और प्राकृतिक दुनिया के चरम दोनों के विश्व रिकॉर्ड शामिल होते हैं। इसमें क्रिकेट सहित सभी खेल के रिकॉर्ड भी सूचीबद्ध किए जाते हैं दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रिकेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खेलों में से एक है, और T20 प्रारूप की शुरुआत के बाद इस मनोरंजक खेल की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। क्रिकेट की दुनिया में समय समय में ढेरों रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते रहते हैं, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हर चीज पर ध्यान रखती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं 10 ऐसे ही बेहतरीन रिकॉर्ड के बारे में दोस्तों, जो क्रिकेटरों द्वारा बनाया गया है और क्रिकेट की ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बढ़ चलते हैं दोस्तों हम अपनी वीडियो की ओर। क्रिकेटरों द्वारा बनाए गए टॉप 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पे है सबसे महंगा बल्ला। यह अनोखा रिकॉर्ड भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जब उनका बल्ला नीलामी में $1,61,295 में बिका था। इसे 18 जुलाई 2011 को लंदन में MS धोनी के ईस्ट मीट्स वेस्ट चैरिटी डिनर में RK ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटी लिमिटेड इंडिया द्वारा खरीदा गया था। जो लोग सोच रहे हैं कि यह बल्ला असाधारण क्यों है, तो यह वही बल्ला है जिसका इस्तेमाल धोनी ने 2011 विश्व कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में किया था। MSD ने बल्ले से विजयी शॉट लगाया था, जिससे 28 साल बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत वापस आई थी। नंबर 2, क्रिकेट गेंद की सबसे तेज डिलीवरी। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपनी शानदार गति और लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने की अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाने जाते थे। दाएं हाथ के इस गेंदबाज का अपने लंबे रन, भारी भरकम शरीर और शानदार गति से सभी टीमों के बल्लेबाजों को डराने का एक लंबा इतिहास है। साल 2003 में अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंककर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया था। 2003 विश्व कप के दौरान अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जो अब भी विश्व क्रिकेट में सबसे तेज गेंद मानी जाती है दोस्तों। नंबर 3, सबसे महंगी क्रिकेट शर्ट। ऑनलाइन नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी क्रिकेट शर्ट जॉस बटलर की है, जो उन्होंने 2019 विश्व कप फाइनल में पहनी थी। इसे 8 अप्रैल 2020 को ईबे पर 65,100 यूरो में बेचा गया था। विकेट कीपर बल्लेबाज ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद रॉयल ब्राम्पटन और हेयरफील्ड हॉस्पिटल के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी विश्व कप फाइनल मैच में पहनी हुई शर्ट ईबे पर डाल दी थी। नीलामी में 82 बोलियां आई और अंततः 65,100 यूरो में की जीत का दावा किया गया था। नंबर 4, एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर। एक ही ओवर में लगातार 6 छक्का लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर इंग्लैंड के एंथोनी मैकमोहन हैं। उन्होंने 24 मई 2003 को 13 साल 261 दिन की उम्र में अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। एंथोनी डरहम में एपल्टन क्रिकेट क्लब में एपल्टन के खिलाफ चेस्टरले स्ट्रीट के लिए खेल रहे थे। नंबर 5, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट मैच। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करती है। जब भी दोनों देश ICC इवेंट में एक दूसरे का सामना करते हैं, तो यह स्वाभाविक बात है कि दर्शक इसमें खूब दिलचस्पी दिखाते हैं। पिछले साल विश्व कप में भारत और पाकिस्तान ने मैनचेस्टर में दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक दर्शकों के साथ वैश्विक शॉपिंग इवेंट का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला खेला था। कई स्ट्रीमिंग वेबसाइट मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही क्रैश हो गई थी, ऐसा भारत बनाम पाकिस्तान मैच का क्रेज था। यह प्रतियोगिता 16 जून 2019 को हुई थी, जहां भारत पाकिस्तान को 89 रन से हरा दिया था। नंबर 6, क्रिकेट बॉल पर सबसे ऊंचा कैच। ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर एलिसा हिली ने प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट बॉल का सबसे ऊंचा कैच हासिल करने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। हिली ने एमसीजी से 80 मीटर ऊपर ड्रोन से गिराई गई गेंद को पकड़ा था। इस उपलब्धि के साथ हिली ने शौकिया अंग्रेजी क्रिकेटर क्रिस्टन बमगार्टनर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिनके नाम पहले 62 मीटर का उच्चतम कैच का रिकॉर्ड था। नंबर 7, पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी। 29 अगस्त 2019 को उस्मान गोवर ने 59 साल 181 दिन की उम्र में एल्फो कॉन्टी में मोआरा क्लासिक क्रिकेट ग्राउंड में रोमानिया कप में रोमानिया के खिलाफ तुर्की के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। गोकर ने बोत्सवाना के जेम्स मोसेस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनकी उम्र 53 साल 285 दिन की थी, जब उन्होंने 20 मई 2019 को युगांडा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पदार्पण किया था। नंबर 8, एक ही पारी में 10 विकेट, वो भी सभी बोल्ड। क्रिकेट के इतिहास में सभी 10 बल्लेबाजों को आउट करने वाले एकमात्र गेंदबाज
जॉन विजन थे। उन्होंने 1850 में लॉर्ड्स में आयोजित उत्तर बनाम दक्षिण खेल में अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी, और यह एक ऐसी उपलब्धि थी दोस्तों जिसमें उन्होंने सभी 10 बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया था। नंबर 9, ICC विश्व कप टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन। संपूर्ण बल्लेबाज और सबसे अधिक पूजे जाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने उत्कृष्ट कैरियर के दौरान प्रशंसकों को कई अविश्वसनीय यादें दी थी। ऐसा ही एक पल है जब 2003 विश्व कप में सचिन ने गेंदबाजों की धुनाई की और एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। मास्टर ब्लास्टर ने 61.18 की औसत से शानदार 673 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक भी शामिल थे। उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी मिला। तेंदुलकर ने नामीबिया के खिलाफ 152, जिम्बाब्वे के खिलाफ 81, श्रीलंका के खिलाफ 97, सेमीफाइनल में केनिया के खिलाफ 83 और चीत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 98 रन की शानदार पारियां खेली थी। नंबर 10, टेस्ट मैच में 12वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी सेनन गैब्रियल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान 12वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। यह मैच 30 अगस्त से 2 सितंबर 2019 तक जमैका के किंगस्टन के सबीना पार्क में खेला गया था। टीम के साथी जर्मन ब्लैकवुड के डैरेन ब्रावो के स्थान पर कनेक्शन प्रतिस्थापन के रूप में आने के कारण गैब्रियल को उनके सामान्य नंबर 11 स्थान से नीचे गिरा दिया गया था, जो पारी की शुरुआत में 30 रन पर रिटायर हट हो गए थे। वेस्ट इंडीज को 257 रन से हार का सामना करना पड़ा था और उस मैच में गैब्रियल 0 रन पर नवाज थे और उन्होंने एक गेंद का सामना किया था। तो ये थे दोस्तों क्रिकेट जगत के 10 ऐसे बेहतरीन रिकॉर्ड जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।